जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसकी दो सब डिविजन्स हैं और ये डिवाइडेड है दो सिस्टम्स में विच इस पैरासिम्पथैटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अब अगर हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर आपके जो क्यूबल होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं स्लो हार्ट बीट हो जाती है स्टिमुलेट जो होता है स्लाइवा का वो स्लाइवा का फ्लो जो है आपके मुंह में वो ज्यादा हो जाता है वेयर अगर हम सिंपथेटिक की बात करें तो वो टोटली ऑपोजिट होता है पैरासिम्पथेटिक के नॉर्मल स्टेट जो होती है एक इंडिविजुअल की वो इन दोनों सिस्टम्स के बीच का बैलेंस होता है लेकिन अगर जब भी ये बैलेंस आउट होता है तो आइदर एक पैरासिम्पथेटिक जो है वो डोमिनेंट हो जाता है या सिंपथेटिक जो है वो डोमिनेंट हो जाता है